अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। वीवर आप देख रहे हैं आरएम डिश टीवी इन्फो। वीवर आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ न्यू सेट के मॉडल NS20+ की। ये देखें, ये कमाल का रिसीवर है और इसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं और प्राइस में ये सबसे कम कीमत में आपको मिलेगा। इसकी अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। वीवर ये H265 है और HEVC है, फुली HD 1080 इसका पिक्चर रेट है और YouTube बिल्कुल आपको इसमें वर्क मिलेगी। इस में आप 8000 चैनल स्टोर कर सकते हैं, 100 नई सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं और 4000 इसमें न्यू फ्रीक्वेंसियां भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही कमाल का बॉक्स है। अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं और फिर टीवी पर इसका मेन्यू भी चेक करवाऊंगा। किसी ने बाय करना हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप इसमें 15 मंथ तक चैनल देख सकते हैं जिनके कलर चेंज होते हैं और IPTV भी आप इसमें देख सकते हैं बगैर नेट के। और बहुत ही प्यारा बॉक्स है, पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, प्रेस बहुत कम है, बिल्ट इन वाईफाई है, हैंग नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ये हैंग नहीं होता। तो किसी ने बाय करना हो तो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये इसका बॉक्स है, थोड़ी देर तक मैं चेक करवाता हूँ कि कैसा है। उससे पहले आपको दिखा दूँ कि इसमें आपको मिलेगा क्या कुछ। ये छोटी सी हैंड फ्री है, सॉरी HDMI लीड है, ये आपको मिलेगी। और ये इसका अडाप्टर मिलेगा, उसके बाद इसका रिमोट मिलेगा, IR सेंसर मिलेगा, रिमोट के लिए सेल मिलेंगे और दीवार के साथ लगाना चाहें तो ये ब्रैकेट मिलेगी। अगर LED के साथ लगाना चाहें तो ये टेप भी आपको मिलती है, दोनों तरफ से जुड़ जाती है। अब मैं बॉक्स भी चेक करवा देता हूं आपको। और बहुत ही शानदार रिसीवर है, ये देखें, ये इसकी शेप है कुछ इस तरह से। और नीचे से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ और दूसरी तरफ आप जाएँगे तो ये देखें, यहाँ पर आपने तार लगानी है डिश की और यहाँ पर आपने लगाना है RS232 केबल लगा सकते हैं, आउट पोर्ट HDMI लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं, USB लगा सकते हैं और पावर की आपने यहाँ पिन लगानी है। दूसरी तरफ जाएंगे तो इधर आप IR सेंसर लगा सकते हैं, बल्कि आप इधर लगाएंगे RS232 केबल और दूसरी तरफ यहाँ पर आपने IR सेंसर लगाना है। बहुत ही प्यारा बॉक्स है और इसमें कार्ड का भी ऑप्शन है, कार्ड भी आप लगा सकते हैं। और इसमें कोई बटन मेरा ख्याल नहीं है ऑन ऑफ करने के लिए, ये सिर्फ मीडिया स्टार में आता है कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जहाँ पर इसकी LED स्क्रीन है, आप IR सेंसर ना भी लगाएंगे तो फिर भी काम करेगा। तो ये इसकी बॉक्सिंग थी। अभी आपको मैं टीवी पर इसका मेन्यू भी चेक करवाता हूँ कि मेन्यू इसका कैसा है। तो अभी पर चलते हैं टीवी की तरफ, मेरा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू चेक करवा देता हूँ। ये इसका मेन्यू है, ये इसकी इंसुलेशन है। एंटीना सेटिंग में जाकर आप कोई भी नई सैटेलाइट ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करना है तो आपको नीचे बटन नज़र आएंगे रंग। आपने ग्रीन का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर नहीं, आपने रेड का बटन प्रेस करना है तो आप कोई भी नई सैटेलाइट यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि 38380 लिखना आपने और सी कर देना है। तो ये देखिए, नई सैटेलाइट भी आ गई है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी लिखना चाहें तो आपने फ्रीक्वेंसी पर आकर ओके का बटन प्रेस करना है और फिर आपने रेड का बटन प्रेस कर देना तो यहाँ कोई भी नई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये भी हो गया। और
उसके बाद जो इसकी सिस्टम सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग में आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं कैटेगरी। रिकॉल का ऑप्शन भी है, वॉल्यूम पर की भी आप कर सकते हैं, और ऑडियो चैनल नेम, और इसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी देर तक। तो ये सारा कुछ आपको इधर मिल जाएगा। उसके बाद ओ एस टी में जाएंगे तो यहां पर भी आपको तमाम कैटेगरी मिल जाती हैं। ये देखें व्यूअर, आप एसी बाईपास आपने ऑन रखना है, ट्यून भी आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। ये इसकी चैनल मैक्स सेटिंग है, आपने इसको कर लेना है जी ऑन, और उसके बाद यहाँ से आप इसको लॉक वगैरह भी कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं और इसके चैनल मैनेजर में जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये देखें, ये चैनल कोई भी आप डिटेल लॉक वगैरह कर सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन है। और यहाँ आप चैनल स्टोर भी कर सकते हैं रिसीवर में, और कब जब कभी फैक्ट्री डिफॉल्ट कर लें तो फिर दोबारा आप यहाँ से रिसीवर में कर सकते हैं। टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। और ये इसका अबाउट एस टी वी है, चेक कर लें तमाम डिटेल। और उसके बाद ये एक्सपेंशन है, और यहाँ पर आप पी वी आर प्रो, और उसके अलावा नेटवर्क सेटिंग, यहाँ से आप इसकी वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ब्लूटूथ, जहाँ से आप ऑडियो इसकी सुन सकते हैं, 3G USB, और ये इसके ऐप वगैरह हैं। और अभी मैंने सेल नहीं किया, इसलिए मैंने इसको नेट नहीं दिया। और नेटवर्क एप्लीकेशनें भी इसकी ओपन उस वक्त होती हैं जब इसको आप नेट देते हैं। काफ़ी अच्छा बॉक्स है।